गुड मॉर्निंग एवरी वन. माई नेम इज़ कुणाल कुमार. सो टुडे वी आर एट एडुकेशन क्लासेस. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज ऑफ क्लास ट्वेल्थ मैथ्स. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्लास ट्वेल्थ मैथ्स इंटीग्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7.2. राइट, तो इसको थोड़ा ध्यान से हम समझना शुरू करते हैं. बच्चों दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज. राइट, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं. तो क्वेश्चन को मैं समझाने के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन. ठीक है, क्वेश्चन वन क्या कह रहा है आपको इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स. राइट, अब आप कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको. देखो क्वेश्चन ऐसे देखने में बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगता है, बट आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप ये देखोगे कौन किसका डेरिवेटिव है. अगर मैं सपोज इसको टी लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या ये आ रहा है? नहीं सर, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है. ठीक है, और अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? सर 2x आ रहा है. तो इसका मतलब आपको इसको टी लेना है. ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसमें जब भी हम लेट करते हैं तो लेट में हम डेरिवेटिव करते हैं. ठीक है, तो लेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. तो मैंने क्या किया, इसको मैंने टी ले लिया और ये 2x है. और आपका बस एक काम है, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, कि आपको dx को कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ dt. चेक करते हैं यहाँ से, वन डिफरेंशिएटिंग इसको डेरिवेटिव करते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, अब देखो 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x. और t का डेरिवेटिव क्या हो गया? dt बाई dx. ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी. आपको कुछ नहीं करना, बस dx की वैल्यू निकालनी है हर क्वेश्चन में. तो अब dx को इधर ले जाओ, डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में चला गया और इधर जो मल्टीप्लाई वाला है वो इधर डिवाइड में चला गया. तो ये dt बाई 2x हो गया, ये dx की वैल्यू आ गई. तो आपने इसमें पुट करना है dt बाई 2x. तो देखो ये अपने आप 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है एक तरीके से. तो ये 1 अपॉन 2t और ये dt हो गया. ठीक है, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब इंटीग्रेशन ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें t की फॉर्म में है. देखो ये क्वेश्चन था, सारी चीज़ x की फॉर्म में है. इस क्वेश्चन में x और t दोनों हैं, है ना, तो हमें सिंप्लीफाई करना है और सारी चीज़ें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करनी है. तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t. ठीक है, प्लस c. बट फाइनली यू हैव टू गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन भी x की फॉर्म में था. तो t का मतलब क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन टू क्या कह रहा है बच्चों? इंटीग्रेट log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx. ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है. तो मुझे आप ये बताओ इसमें किसको t लेंगे? सर अगर मैं x को t लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? तो इसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा. तो हमें क्या करना है, हमें दिमाग लगाना है. क्या हम log x को t लेट करेंगे और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? ये आपने लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या हो गया? 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? dt बाई dx. अब dx की वैल्यू निकालनी है तो dx को इधर ले जाओ, x डिवाइड में उधर रहेगा, मल्टीप्लाई में होगा, एक्स dt हो गया. अब आप इधर पुट करो. ठीक है, log x की वैल्यू क्या थी? t. तो ये टी स्क्वायर हो गया, इधर x था. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx? dx की वैल्यू होगी x dt. तो इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, हमारा काम बन गया. तो टी स्क्वायर dt हो गया. अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो. तो ये हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस c. ठीक है बच्चों, अब t की वैल्यू क्या हो गई? सर t की वैल्यू थी log x. तो ये हो गया log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है बच्चों? 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, हाउ टू इंटीग्रेट इट?
देखो अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगी, अगर मैं इसको टी ले लूँगा तो कुछ बात नहीं बनने वाली, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव कोई वन थोड़ी होता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो इधर एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वन प्लस लॉग एक्स को टी लेट करोगे तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, ऐसे लिखना है कि लेट, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया सर, ये वन अपॉन एक्स हो गया, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू होगी एक्स डी टी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वन अपॉन एक्स, वन प्लस लॉग एक्स क्या हो गया टी, ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स डी टी। तो ये ऐसे ऐसे कट गया। अब बताओ इसका आंसर क्या हो गया सर, ये वन अपॉन टी डी टी हो गया। क्या मैं इसका इंटीग्रेट कर सकता हूँ, हाँ सर, ये हो गया लॉग टी, लॉग टी प्लस सी। और लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है वन प्लस लॉग एक्स, लॉग वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। थोड़ा पेज बचाने के लिए मैं इधर ही इस क्वेश्चन को नेक्स्ट को यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है इंटीग्रेट साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, ठीक है। आपके माइंड में बच्चों सबसे पहले आना चाहिए कि मैं किसको टी लूँगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा प्रैक्टिस से भी आपका कमांड हो जाएगा इन चीज़ों में। अगर मैं कॉस एक्स को टी लेता हूँ, देखो साइन का थीटा कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को टी लूँगा तो ये वाली चीज़ डी टी में कट सकती है। देखो मैंने क्या किया, लेट किया, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी, और ये माइनस इधर चला गया तो अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये हो गया साइन एक्स, इसको लिख दें साइन कॉस एक्स का मतलब टी था, और डी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस को बाहर ले लेता हूँ क्योंकि माइनस डी टी बाय साइन एक्स था, राइट। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी प्लस सी, सो द आंसर इज कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू दोबारा पुट कर दो क्योंकि हमें सारे आंसर एक्स में चाहिए, कॉस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेट साइन ए एक्स प्लस बी। चलो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा इंटीग्रेशन में एक बार ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन को मैं 10 तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपका आंसर सपोज पीछे मैच नहीं हो रहा, डोंट वरी, अगर आपने सही किया है तो वो सही होगा क्योंकि इसके कई आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इसमें देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। कॉन्स्टेंट था तो मैंने इसको बाहर ले लिया, सर इसको अंदर लिया इसको बाहर लिया क्यों, मेरी मर्ज़ी, क्यों, क्योंकि मुझे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो ये 1/2 हो गया। अब देखो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 एक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है कि अगर सपोज आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको मन में ना, देखो इस चीज़ को मन में x मान लो, मन में मान लो x, ठीक है। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो लिख दो माइनस कॉस x, x मतलब 2 ए एक्स प्लस बी। और जिसको मन में x मानो उसका डेरिवेटिव लो, और डेरिवेटिव क्या आ रहा है सर, 2 इंटू ए एक्स प्लस बी का, तो ये 2 बाहर आ गया, ए एक्स प्लस बी का a हो गया, तो 2 a डेरिवेटिव है, राइट। इसका जो डेरिवेटिव है ना उसको डिवाइड कर दो, तो 2a से डिवाइड भी कर दिया प्लस c, ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है बच्चों। शॉर्टकट नहीं करना तो इसको t लेके वैसे ही लॉन्ग तरीके से कर सकते हो, बट आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। बट ये वाला शॉर्टकट कहाँ अप्लाई होता है, जब आप जिसको मन में x ले रहे हो उसका जो डेरिवेटिव है उसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। देखो इसको हमने टी लिया था, मन में एक्स लिया था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, टू ए, तो वो उसमें वेरिएबल नहीं आ रहा, राइट, एक्स एक्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम इसमें शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में एक्स आ रहा है डेरिवेटिव में तो आपको शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये आंसर हो गया माइनस वन अपॉन फोर ए कॉस टू
टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? कि सर अगर मैं इसको टी लेता तो ये मेरा डी टी में कट जाता है ना, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में हम ऐसे करते, अगर मैं इसको टी लेता तो इसको भी डी टी में कट सकता था। तो आप किसी को भी टी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव वी हैव डन, सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है? इंटीग्रेट रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है कि भाई किसको टी लूँ। अब देखो ए एक्स प्लस बी, कभी भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही हो ना तो थोड़ा सा माइंड में हम देखते हैं भैया, एक एक तरीका और बता रहा हूँ जो थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है ना, उसको टी ले लेते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी को हमने क्या किया? टी लेट किया। ठीक है, लेट किया, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? सर ए हो गया, तो ये क्या हो गया? डी टी बाई डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सर वन अपॉन ए डी टी या डी टी बाई ए। ठीक है, अब इधर क्या हो गया? ये हो गया रूट टी और डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू आपको पता है, मैंने निकाली हुई है। क्या निकाली हुई है? डी टी बाई ए। ए कॉन्स्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, रूट टी हो गया डी टी हो गया। तो वन अपॉन ए टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टी की पावर थ्री बाई टू है ना, रूट टी का इंटीग्रेशन। भाई रूट टी का मतलब टी की पावर वन बाई टू है, तो एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो थ्री बाई टू, टू ऊपर चला गया। ठीक है, प्लस सी, तो ये टू अपॉन थ्री ए टी, टी का मतलब क्या था? ए एक्स प्लस बी, क्योंकि फाइनली आंसर हमें एक्स की फॉर्म में लिखना है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इट वॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखो ये कह रहा है एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैं किसको टी लूँ? सर जो मुश्किल चीज़ आपको दिख रही है, तो ये हो गया एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी ले लिया। तो मैंने ये देखा कि भैया इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? वन आ रहा है, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो आप इस चीज़ में ऐसे फंस जाते हो कि ये एक्स हो गया, ये टी हो गया, और ये क्या हो गया? ये डी टी हो गया, डी एक्स की डी टी आ रही है। अब इस एक्स का क्या करूँ? तो बच्चों कभी ऐसे फंस जाओ तो क्वेश्चन में से ही आपको आंसर निकलता है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स की वैल्यू टी माइनस टू है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें टी के टर्म में चाहिए। तो ये हो गया टी माइनस टू, ये हो गया रूट टी, और ये डी टी। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया टी की पावर थ्री बाई टू माइनस टू टी की पावर वन बाई टू। ठीक है, और डी टी। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो। जब इंटीग्रेशन हो गया तो टी की पावर क्या हो गया? फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू माइनस टू टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, तो एक टू ऊपर चला गया, प्लस सी। तो ये हो गया टू अपॉन फाइव, टी का मतलब क्या था? एक्स प्लस फाइव की पावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाई थ्री एक्स प्लस फाइव, टी मतलब एक्स प्लस टू था ना, तो एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, दिस इज योर आंसर। पीछे अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो भी हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे। क्वेश्चन एट क्या कहता है? इंटीग्रेट एक्स इंटू रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे? वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी, क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं यही आएगा। ठीक है, देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। सर ये फोर एक्स हो गया, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो देखो एक्स आ गया ना इसमें, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? डी टी बाई फोर एक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू ये रूट टी हो गया, डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? डी टी बाई फोर एक्स, x से x कट गया, तो ये हो गया वन, ये फोर वन बाई फोर बाहर आ गया, राइट? तो ये वन बाई फोर कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, तो वन बाई फोर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? सर t की पावर थ्री बाई टू और ये थ्री बाई टू। ठीक है, प्लस c, तो टू टू ज़ा फोर, तो ये हो गया टी बाई सिक्स, टी की पावर थ्री बाई टू बाई सिक्स प्लस सी। टी की वैल्यू दोबारा डाल दो, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अपॉन सिक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि ये बातें सबको समझ आ रही है।
ठीक है। चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेट 4x प्लस 2 और रूट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने t लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है इसका डेरिवेटिव यही आ रहा है। कैसे सर? देखो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dx। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx? dx की वैल्यू होगी dt अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, और ये 2x प्लस 1 ही है। कैसे? कि सर 2 कॉमन ले लो ना, तो ये 2x प्लस 1 ही तो बचा बच्चों, तो ये रूट टी हो गया, और dx की वैल्यू क्या थी, dt अपॉन 2x प्लस 1, तो ये तो एक पूरा कट गया, 2 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, ये रूट टी और dt। अब मुझे बताओ, ये आपको आता नहीं इंटीग्रेशन? सर टी ए होता है टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, प्लस सी, तो ये 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, डन है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं बच्चों, मैं वीडियो इस टाइप से सोच के बना रहा हूँ कि आपको ना डाउट ही ना आए, राइट, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें, मेरी कोशिश है कि मैं आपको यहीं पे सॉल्व करा दूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कुणाल, माय नेम इज़ कुणाल कुमार, मुझे 9871518388 पे आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर उस स्टेप के बाद क्या किया था आपने, ठीक है। चलो अब हमने कर लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स। अब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि सर हम किसको टी लें, आप इसको पूरे को टी लोगे तो इसका कोई डेरिवेटिव 1 तो आ नहीं रहा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसमें थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो गया रूट एक्स माइनस 1। सर कैसे हुआ? देखो एक्स का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स मतलब, तो एक रूट एक्स बाहर ले लिया तो एक रूट एक्स बच गया, और इसमें से ये तो रूट एक्स ही है, इसमें रूट एक्स बाहर आ गया तो 1 बच गया, ये डी एक्स हो गया, ठीक है। अब सिंपल है, रूट एक्स माइनस 1 को टी ले लो, इन दोनों में मुश्किल वाला कौन सा है, ये, तो इसको टी ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। सो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ डी एक्स? डी एक्स की वैल्यू हो गया 2 रूट एक्स डी टी, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स, देखो 1 अपॉन रूट एक्स, इसको मैंने टी लिया होता, और dx की वैल्यू क्या हो गई, 2 रूट एक्स डी टी, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग टी। अच्छा 2 भी तो बाहर आ गया था ना, 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, तो 2 लॉग और टी का मतलब क्या हो गया, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों। 11 कह रहा है इंटीग्रेट एक्स अपॉन रूट में एक्स प्लस 4, ठीक है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस 4 को टी ले लेता हूँ, तो नीचे तो भाई टी हो गया, डी एक्स तो साथ में होता ही है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करा तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, ये मैंने पहले भी मतलब ये 1 हो गया, ये डी टी बाई डी एक्स हो गया, डी एक्स को इधर ले गया डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, तो डी एक्स के लिए हो गया डी टी, ठीक है। लेकिन सर इस एक्स का क्या करें, तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों क्वेश्चन में से ही निकलता है इसका आंसर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, टी माइनस 4, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया टी माइनस 4, ये हो गया रूट टी और ये डी टी। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, ये हो गया टी अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी, ठीक है, दोनों में डी, क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेट करोगे डी टी डी टी ऐसे लगा दो, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो गया, सर ये हो गया रूट टी डी टी, ये हो गया माइनस 4 टी की पावर माइनस 1/2 हो गया, ठीक है,
देखो इधर रूटी अपॉन रूटी, रूटी इंटू रूटी है तो एक रूटी कटी है ना, और ये नीचे है टी की पावर 1/2, तो ऊपर चला गया तो टी की पावर -1/2 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 -4 टी की पावर दिस एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है करके देख लेना। -1/2 प्लस वन इज 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 2/3। टी का मतलब क्या है, एक्स प्लस फोर की पावर 3/2 -8 एक्स प्लस फोर की पावर 1/2 प्लस सी। डन। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेट एक्स क्यूब माइनस वन 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है। देखो इसको ये है एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3, है ना। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको किसको टी लूँ क्या करूँ, ठीक है। एक्स की पावर 5 है, इसको मैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। उससे ये दोनों चीज़ मेरी टी वाली बन जाएंगी और ये इसका डेरिवेटिव में ये आता है, ठीक है। कैसे, देखो एक्स क्यूब माइनस वन को टी लो, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, dt/3x2, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वन क्या था, ये टी था, टी की पावर 1/3। एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, निकलेगी ना, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो गई t+1, सारी चीज़ें टी में कन्वर्ट करनी है। और ये एक्स स्क्वायर और dx, dx की वैल्यू हो गई dt/3x2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया टी की पावर 1/3+1 दैट इज 4/3, और ये टी की पावर 1/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये डी टी इधर बच गया, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो टी की पावर क्या हो गया 7/3, और ये 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। फिर टी की वैल्यू डाल दो 3/7, टी का मतलब क्या था, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 4/3 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इन की अपॉन 2+3x³ की पावर 3 dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, लेट किया 2+3x³ इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3×9x² इज इक्वल टू dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, dt/9x², तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया टी, टी क्यूब है ना, क्योंकि इसको टी माना था ना, ये तो क्यूब रहेगा ही। और dx की वैल्यू क्या हो गई, dt/9x², तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये 1/9 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1/t³ बच गया dt, ठीक है। टी क्यूब ऊपर जाएगा, तो देखो जब तक इंटीग्रेट नहीं करते ना तब तक आप इंटीग्रेशन साइन लगाते रहोगे, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो ये हो गया टी की पावर -2/-2 प्लस सी। तो ये हो गया -1/18, इसको लिख दिया -1/18 है ना, और ये नीचे चला गया 1/t² प्लस सी। तो -1/18, टी का मतलब क्या था, 2+3x² 2+3x³ का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 13, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ये इस वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, बट आप पॉज कर करके देख सकते हो अगर आप थक जाते हो। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है इंटीग्रेट 1/(x)log(x)n)dx, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करना है, log x को t ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/(x) इज इक्वल टू dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, x dt, तो ये क्या हो गया 1/(x), और ये हो गया t की पावर m
और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स डी टी, तो एक्स से एक्स कट गया, तो ये हो गया वन अपॉन टी की पावर एम डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा बस। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक्स एन का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये हो गया टी की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस सी। टी को आप फिर लॉग टी लिख दो, लॉग एक्स सॉरी, इसको थोड़ा और रिफाइंड फॉर्म में लिखने के बदले आप ऐसे लिख सकते हो, वन माइनस एम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एम प्लस वन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेट एक्स अपॉन नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको टी लोगे क्योंकि मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं एक्स होता है, आपको भी पता है ना, तो आप इसको लेट करो, नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस एट एक्स, क्योंकि इसका जीरो हो गया, ये माइनस फोर बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर टू एक्स, तो माइनस एट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। वट इज वैल्यू ऑफ डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी माइनस इधर आ गया और अपॉन एट एक्स, ठीक है। अब इधर देखो एक्स ये हो गया, ये टी हो गया और एक डी एक्स के लिए हो गई माइनस बाहर ले लो डी टी बाई एट एक्स, ठीक है। एक्स एक्स कट गया, एट भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो ये वन अपॉन टी डी टी। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग टी, तो माइनस वन बाई एट लॉग टी प्लस सी, तो माइनस वन बाई एट लॉग टी, टी का मतलब क्या था, नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्लियर है, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 छोटा सा है, इसमें हो जाएगा, करने की कोशिश करते हैं छोटे से बक्से में। इंटीग्रेट ई की पावर टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको मन में एक्स लो, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ई एक्स, तो ई एक्स लिख दिया, और जिसको मन में एक्स लिया उसका डेरेटिव देखो, डेरेटिव क्या आ रहा है सर, टू आ रहा है, क्या कॉन्स्टेंट आ रहा है, वेरिएबल तो नहीं आ रहा ना सर, वेरिएबल नहीं आ रहा, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट अगर आ रहा होता है तो शॉर्टकट लगा सकते हैं और उसको डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है, बस ये आंसर हो गया। टी लेके करना है, टी लेके कर दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेट एक्स अपॉन ई एक्स की पावर टू डी एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, सिंपल दिख रहा है आपको, तो ये हो गया एक्स और ये ई की पावर टी, और ये टू एक्स इज वैल्यू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई सर, वन अपॉन टू एक्स डी टी, है ना, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी अपॉन टू एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, ये वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ये हो गया वन अपॉन ई की पावर टी और डी टी, ठीक है। ई की पावर टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ई की पावर माइनस टी हो गया। अब इसको मन में एक्स मानो, मन में शॉर्टकट करा लो, ठीक है, तो वन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, और जिसको मन में एक्स माना है उसका डेरिवेटिव लो, तो अगर मैं टी की फॉर्म में इसका डेरिवेटिव तो माइनस वन आ रहा है, तो माइनस को डिवाइड कर देते हैं, राइट, माइनस वन से डिवाइड कर दो, ऐसे ही होता है, ये शॉर्टकट है, क्योंकि कॉन्स्टेंट आ रहा है बस, है ना, माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस टी प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉइंट टू ई की पावर टी प्लस सी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉइंट टू ई की पावर टी, टी का मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, बहुत इजी है, ई की पावर है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको टी लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ये बनता है ना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो दिमाग ये लग रहा है कि भैया टेन इनवर्स एक्स को टी ले लो, इसका डेरिवेटिव आपने चैप्टर 5 में सीखा हुआ है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, है ना, देखो ये हो गया ई की पावर टी, ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स का मतलब क्या हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी, ये कट गया ये कट गया, तो ये हो गया ई की पावर टी डी टी, ठीक है। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या था, ई की पावर टी प्लस सी, ठीक है, टी का मतलब क्या था सर, टेन इनवर्स एक्स, तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है बच्चों।
अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, पहले वीडियो में देखो। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैंने 18 समझा दिया, अब 19 क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करो। जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपको ना, आप मतलब आपको सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे तो देखेंगे उन्हें। ठीक है चलो, अभी आप इतने इसको लिख लो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो 19 के लिए हमें नया पेज लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 19 19 क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट ई की पावर 2x-1 और ये है ई की पावर 2x+1 dx। ठीक है बच्चों, ट्रिक वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समझेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड न्यूमरेटर बाय ई की पावर एक्स एंड डिनोमिनेटर बाय ई की पावर एक्स। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं सॉल्व करूँ कट जाएगा, तो बात एक ही है, तो मैंने कोई गलत बात नहीं करी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग। ठीक है, तो ये हो गया ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स। ऐसे न्यूमरेटर में क्या हो गया, ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स dx, राइट। ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको t लोगे, इसको क्या लोगे, t। अब आप लेट करो कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t लिया, देखो इसका डेरिवेटिव यही बन रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, e की पावर माइनस एक्स, जिसको मन में x ले उसका डेरिवेटिव माइनस वन होता है ना, तो माइनस हो गया। पता है ना, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव करते हैं तो चेन रूल लगता है, मल्टीप्लाई होता है ना, और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, वो शॉर्टकट रहता है। तो ये हो गया dt बाई dx। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx, सर dx इधर हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dt। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने किसको t लिया, मैंने नीचे वाले को t लिया, तो ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स है ना। और dx की वैल्यू क्या हो गई, सर dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये इससे कट गया। तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया इंटीग्रेट 1 अपॉन टी डी टी, बस ये हो गया लॉग टी प्लस सी। टी का मतलब क्या था, टी का मतलब ये था, इसको लिख दो। तो ये क्या हो गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर प्लस सी। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। चलो क्वेश्चन 19 थोड़ा सा ट्रिकी था तो आपको समझना है, क्वेश्चन 20 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो हमने ट्रिक लगा के उसको फॉर्म लेके आए थे वो फॉर्म ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन 20 में। इंटीग्रेट ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x और नीचे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर वाला डी टी में कट जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर वाले को टी लूँगा तो वो नीचे वाले डी टी में नहीं कटेगा, करके देख लेना। ठीक है, ठीक है, अब देखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको t लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, सर 2 e की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव क्या, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, सर dt डिवाइड में ये चला गया, तो 2 कॉमन आ गया, तो हो गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, डन है। अब देखो ये ऊपर वाला क्या हो गया, सर ऊपर वाला तो पता नहीं क्या हुआ, इसको ऐसे लिख देते हैं। नीचे वाले को हमने टी माना था, देखो इसको टी माना था ना, और डी एक्स के लिए क्या आई, सर ये डी टी अपॉन टू, टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, नीचे क्या बचिए, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये और ये पूरा कट गया, तो 1/2 ये हो गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी।
ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या है, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी, बस दिस इज योर आंसर। ठीक है चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 क्या कहते हैं, इंटीग्रेट 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये हमने बहुत पहले लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसको शॉर्टकट बनाओ, इसको एक्स ले लो क्योंकि इसका डेरिवेटिव केवल कांस्टेंट आ रहा है, राइट। इसको मन में एक्स लो, सेक्स स्क्वायर एक्स का देखो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा 10x, तो 10 2x माइनस 3 और जिसको मन में एक्स लिया उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन मतलब 2 आ रहा है तो डिवाइड में करते हैं, ठीक है माइनस एक्स। ठीक है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 dx में अगर मैं अलग अलग करूँ तो ये क्या हो गया x प्लस सी, बस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 21 हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहे हैं इंटीग्रेट sec स्क्वायर 7 माइनस 4x शॉर्टकट। ठीक है इसको मन में x ले लो और क्योंकि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ रहा है इसलिए हम इसको शॉर्टकट लगा सकते हैं, sec स्क्वायर का क्या हो गया 10 7 माइनस 4x, जिसको मन में x लिया माइनस 4 आया उसको अपॉन कर दिया तो 1 अपॉन माइनस 4 हो गया, तो माइनस को ऊपर ले जाता हूँ तो एक ही बात है। ठीक है प्लस सी, दिस इज योर आंसर, डन। क्वेश्चन 22, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहाँ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको टी लूँगा तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो आपको जो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, लेट किया साइन इनवर्स एक्स को टी लिया तो इसका डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू निकाल लो तो ये हो गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, तो ये क्या हो गया टी और ये क्या हो गया ये हो गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू क्या थी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, ये कट गया तो ये टी डी टी। ठीक है टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, राइट टी स्क्वायर, टी का मतलब क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। क्वेश्चन 23, ठीक है क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 भी बच्चों बहुत इजी है, आपको देखते ही समझ आ जाता है ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है देखो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, इसका डेरिवेटिव अगर मैं टी इसको टी लेता हूँ इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है वो कट जाएगा। ठीक है चेक करते हैं, देखो 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको लेट किया कि ये टी है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है अब डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इधर नीचे ले जाते हैं डी टी अपॉन माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x, बस हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे वाले को तो हमने टी लिया था, ऊपर लिख दो 2 cos x माइनस 3 sin x और डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी सर डी टी अपॉन दिस, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो पता है क्या बच गया, देखो ये हो गया इसको मैं पहले ले देता हूँ तो ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x, राइट दिख रहा है ना बन गया, ये और ये पूरा कट गया, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ये 1 बाई टी और डी टी हो गया, तो इसको सॉल्व किया आगे तो ये हो गया 1 अपॉन टी log टी। ठीक है प्लस सी, सॉल्व किया तो 1 बाई टू टी की वैल्यू डाल दो, टी की याद वैल्यू थी 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। ठीक है दिस इज योर आंसर, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन 25 क्या कहता है, इंटीग्रेट 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब बच्चों आप बताओ क्या करेंगे इसको। 1 बाय कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये हो गया sec स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ये हो गया टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, डन है। इसको t लूँगा तो मुझे दिख रहा है इसका डेरिवेटिव यही होता है। देखो 1 माइनस टेन एक्स को t ले लिया, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, ये हो गया dt by dx। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस dt by sec स्क्वायर x। देखो ये हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया t, हो गया तो t का स्क्वायर हो गया क्योंकि मैंने इसी को t माना था बस। और dx की वैल्यू क्या है, माइनस को बाहर ले लो तो ये हो गया dt by sec स्क्वायर x, राइट। ये कट गया तो ये हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर और ये हो गया dt, राइट। अब आप तो सॉल्व करना आना आते हैं आपको, माइनस 2 ले लिया ऊपर ले जाके तो ये हो गया t की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, माइनस माइनस ये कट गया तो ये हो गया 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया है और मुझे उम्मीद है सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 कह रहे हैं इंटीग्रेट कॉस रूट एक्स और नीचे हो गया रूट एक्स और डी एक्स। ठीक है, डन। अब मुझे आप ये बताओ, साफ दिख रहा है मुझे रूट एक्स को टी ले लो तो इसका डायरेक्टिव क्या हो गया, 1 बाई टू रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 रूट एक्स डी टी। ठीक है, तो इधर देखो ये हो गया कॉस टी और नीचे क्या हो गया रूट एक्स और ऊपर डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 रूट एक्स डी टी। सर इसको टी क्यों नहीं लिखा, अगर मैं टी लिखता तो फिर मैं इसको भी टी लिख के काट देता या रूट एक्स को छोड़ दिया तो ये भी बात एक ही है, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो 2 बाहर आ गया, ये हो गया कॉस टी और ये डी टी। अब सब सेम वेरिएबल में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टी प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू भी डाल दो तो ये हो गया साइन रूट एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 26 हो गया। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट रूट साइन 2x कॉस 2x dx। ठीक है, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, मुश्किल वाली चीज़ को t लेते हैं तो रूट वाला जो है वो मुश्किल होता है, तो आप क्या करोगे साइन 2x को t लो तो ये हो गया रूट टी, इसका डायरेक्टिव क्या हो गया सर, कॉस 2x इंटू 2, ये हो गया dt by dx। ठीक है, अब dx की वैल्यू क्या हो गई सर, 1 अपॉन 2 कॉस 2x dt, तो ये cos 2x है और dx के लिए क्या हो गई, dt अपॉन 2 cos 2x। ठीक है, cos 2x से cos 2x कट गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, रूट टी का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, t की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, 2 से ये 2 कट गया प्लस सी, t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी sin 2x, तो ये हो गया sin 2x की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 प्लस सी। डन है, ठीक है बच्चों, तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 27 एज वेल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, देर आर 37 क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेट कॉस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहा है ये, देखो साफ दिख रहा है मुझे इसको, मुश्किल वाला कौन ये दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन एक्स को मैंने क्या लिया t, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया cos x इज इक्वल टू ये हो गया dt by dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या हो गई, dt अपॉन cos x, है ना, dx को इधर ले गए इसको इधर ले गए, तो ये देखो cos x ये नीचे t हो गया, dx के लिए क्या हो गया dt by cos x, cos x से cos x कट गया तो ये 1 अपॉन रूट टी dt, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt, इसका मतलब क्या हो गया, t की पावर दिस प्लस 1, है ना, तो 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, पता ही होगा ये तो आपको,
तो टी का मतलब क्या हो गया, वन प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। या इसको रूट में भी ले सकते हो, 1/2 पावर का मतलब रूट ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं बच्चों। ये कह रहा है कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब कॉट एक्स का मतलब क्या है, देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, ठीक है, और ये है लॉग साइन एक्स। तो मुझे सबसे पहले ख्याल आ रहा है कि मैं इसको लॉग साइन एक्स को टी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन, देखो उसको मन में एक्स मानो, तो वन अपॉन एक्स, और जिसको मन में एक्स मानो उसका दोबारा डायरेक्टिव क्या हो गया, कॉस एक्स। तो ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन ऊपर चला गया, कॉस नीचे आ गया, और ये डी टी, तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लॉग, इसको टी माना था, और डी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी टी। साइन एक्स से ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब ये बच गया लॉग टी डी टी। लॉग टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं, एक्चुअली क्या था ना, हमने लॉग साइन एक्स को टी माना था, तो मैं इधर लॉग क्यों लिख रहा हूँ, तो ये टी बच रहा है बस। ठीक है, समझ रहे हो। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी। टी का मतलब क्या हो गया, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन 30 देखो, अब थोड़ा सा हल्का हल्का ट्रिक आती रहेंगी, वो समझते चलेंगे हम। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों देखो, सिंपल दिख रहा है, अगर मैं इसको टी ले लूँगा ये डी टी हो जाएगा, साफ है, क्लियर है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया टी, डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, इससे ये कट गया माइनस वन बाई टी डी टी। वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और लॉग टी का मतलब होता है वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, आप इसको आंसर यहीं भी छोड़ सकते हो, पीछे कई बार आंसर ये भी दिए होते हैं, जैसे माइनस का मतलब माइनस वन है, ठीक है, माइनस वन ऊपर जाके पावर हो जाता है, क्यों, क्योंकि लॉग एम की पावर एन का मतलब होता है एन लॉग एम। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना। तो पीछे क्या करा होता है, फॉर एग्जाम्पल वन प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस वन, तो ये हो गया लॉग वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, 31 क्या कहता है, इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों आपने देखा होगा ये और ये सेम क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है ट्रिक ऑलरेडी, कि भैया वन प्लस कॉस एक्स को टी ले लो, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन बाय साइन एक्स डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, साइन एक्स, ये टी हो गया, तो टी स्क्वायर हो गया, राइट, क्योंकि मैंने इसी को टी माना था, और इसकी वैल्यू हो गई माइनस वन अपॉन साइन एक्स डी टी, है ना। तो इससे ये कट गया, देखो, तो माइनस वन बाय टी स्क्वायर डी टी, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ये हो गया टी की पावर माइनस टू डी टी, तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया टी की पावर माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, तो ये वन अपॉन टी प्लस सी आंसर आ गया। टी का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। डन, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 31, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है बच्चों, 32 क्वेश्चन पे आते हैं। 32 क्वेश्चन में ट्रिक है,
थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको, मतलब मैं अगर बोलूँ इस एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा है तो 32 ही है, ठीक है। वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स, डी एक्स है सॉरी, ठीक है। बच्चों इधर देखो, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स को लिख दिया कॉस एक्स, साथ साथ देखना है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। एलसीएम लिया तो वन अपॉन, ये एलसीएम नीचे लिया तो ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ये ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, देखो इस स्टेप के बाद क्या करूँ, ध्यान से देखना, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूँ टू साइन एक्स को लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स। सर इतना दूर दूर क्यों लिखा है, कुछ समझाना है, क्या लिख सकता हूँ मैं, टू साइन एक्स को लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अच्छा नीचे तो ऐसे ही छोड़ दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा मैं अब एक काम कर रहा हूँ, ठीक है ध्यान से देखना, इसमें मैं प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, सेम बात है, प्लस माइनस कट जाएगा तो एक ही बात बची ना। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको अलग अलग क्वेश्चन बना दो, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये पूरा का पूरा कट गया वन आ गया, ठीक है तो ये हो गया वन बाई टू, ये हो गया वन प्लस, ठीक है इसको अलग अलग ही कर दो, वन बाई टू दोनों के साथ चलेगा फिर, ठीक है वन बाई टू क्योंकि सबके लिए बाहर है ना कॉमन, वन बाई टू इसके साथ भी आएगा, इसको कर रहा हूँ तो वन बाई टू इसके साथ भी आ जाएगा, तो वन बाई टू इसमें क्या करेंगे, नीचे टी ले लिया तो आप देखोगे, चलो नीचे टी ले तो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, और डी एक्स के लिए क्या होगी, चलो मैं इधर करके दिखाई देता हूँ, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लिया, इसका डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, आप समझ रहे हो ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को कॉमन ले लिया तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो वन बाई टू ये हो गया वन प्लस वन बाई टू, ये डी टी एक्स है ना, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन माइनस, और ये क्या हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा इससे कट गया, ठीक है तो माइनस बाहर आ गया इस, ये माइनस बाहर आ गया है ना, और ये क्या हो गया वन बाई टी डी टी, ठीक है तो वन बाई टू ये एक्स हो गया माइनस वन बाई टू, ये हो गया लॉग टी, टी का मतलब क्या हो गया, ठीक है अब लिख देते हैं टी की वैल्यू, लिख देते हैं यहाँ पे क्या थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों समझ आ गया। देखो दोबारा समझाता हूँ, मैंने कॉट एक्स को कॉस अपन साइन लिखा, एलसीएम लिया ये आ गया, फिर मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर मैंने साइन टू साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साथ में ऐड कर दिया, अलग अलग किया, ये तो वन हो गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, इसमें टी लिया ये डी टी में कन्वर्ट हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है चलो। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 32, अब क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि सेम पैटर्न पे है, राइट पैटर्न इज सेम, एब्सोल्युटली सेम। 33 इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 माइनस 10 एक्स डी एक्स, ठीक है तो ये क्या हो गया, देखो 1 माइनस ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स राइट डी एक्स, एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है डी एक्स, कॉस एक्स ऊपर चला गया तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है फिर वही ट्रिक, टू से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया, ठीक है कॉस एक्स को लिख दिया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है लिख सकते हैं ना कॉस टू कॉस एक्स को कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ठीक है अच्छा प्लस साइन एक्स एक बार यहाँ से कर दो एक बार माइनस साइन एक्स कर दो, ठीक है ये ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में डाल दो तो ये वन अपॉन टू, ये क्या हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है प्लस वन बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है इधर देखो बच्चों इसमें ये वाला कट रहा है ना, कट के वन हो गया
राइट, इसमें टी लोगे डी टी में कट जाएगा, ठीक है। करके दिखाऊं, देखो वन बाई टू है, ये टी लिया तो दोनों तरफ क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन हो गए तो डी एक्स डाल देते हैं, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ऐसे यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को आपने टी लिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन माइनस माइनस बाहर ले लो तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और ऊपर क्या बचा था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। प्लस वन अपॉइंट टू, वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, ओहो अभी वन ही ले देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन ले लूँगा तो इंटीग्रेशन साइन थोड़ी आएगा, ठीक है डी एक्स। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, माइनस वन बाई टू, वन बाई टी बच गया, इसका आंसर हो गया लॉग टी, टी का मतलब क्या था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। थोड़े थोड़े स्टेप अब मैं खा सकता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, वन बाई टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन क्योंकि डी एक्स आता है, ठीक है प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 33, अब हम 34, 35, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं इसको 34 पे। क्वेश्चन 34 क्या कहता है भाई, ये कहता है इंटीग्रेट रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। देखो इसका शॉर्टकट देखो या इसका ट्रिक देखो, ये हो गया रूट टेन एक्स, ध्यान से देखना एक एक स्टेप, ये है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, कर सकता हूँ ना, एक ही बात है, ये और ये कट जाएगा तो सेम बचा है ना, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया कॉस एक्स से, मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स से। अब बच्चों ये हो गया रूट टेन एक्स, ये क्या हो गया सर, ये टेन एक्स बच गया और ये नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो गया सेक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूँ रूट एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, तो आप यही तो बोलोगे ना एक्स की पावर वन बाई टू अपॉन एक्स की पावर वन, इसका मतलब एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन है ना, बेस सेम उधर डिवाइड में पावर माइनस होती है तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू बन जाएगा, राइट। सेम ऐसे ही सी कंसेप्ट को लेके मैं इसको लिख रहा हूँ टेन एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, और ये क्या हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। सिंपल है, टेन एक्स को टी लो, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, देखो टेन एक्स को टी लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई वन बाय सेक्स स्क्वायर एक्स डी टी, ठीक है। तो ये टी की पावर माइनस वन बाई टू, सेक्स स्क्वायर का मतलब ये सेक्स स्क्वायर एज इज लिख दो, डी एक्स का मतलब क्या हो गया डी टी बाई सेक्स स्क्वायर एक्स कट गया, तो ये हो गया टी की पावर वन बाय टू और ये वन बाय टू प्लस सी। फिर टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या थी टेन एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स की पावर वन बाई टू, या रूट में लिखना है रूट में लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 34, अब मैं 35 इधर ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 35 क्या कहता है देखो, ये कह रहा है इंटीग्रेट वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है डी एक्स। तो मुझे बताओ वन प्लस लॉग एक्स है ना, को टी लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया वन बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई एक्स डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया टी का स्क्वायर अपॉन एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई एक्स डी टी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कट गया तो टी स्क्वायर डी टी बच गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। टी का मतलब क्या हो गया वन प्लस लॉग एक्स की होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था 35, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो x प्लस वन ये है x प्लस लॉग एक्स की पावर टू अपॉन एक्स और ये dx। देखो मुझे एक चीज़ साफ नज़र आ रही है, x प्लस वन अपॉन एक्स को मैं ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया x प्लस लॉग एक्स,
देखो दिमाग से अगर आप काम लोगे तो इसका डेरिवेटिव यही बन रहा है, कैसे इसको एक एक बार अलग सॉल्व कर लो तो ये हो गया एक्स अपॉन एक्स वन हो गया प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो गया वन अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव यही तो आ रहा है, ठीक है। देखो एक्स प्लस लॉग एक्स को लिया टी तो ये हो गया वन प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स बस। अब ये देखो वन प्लस वन अपॉन एक्स ये टी हो गया टी स्क्वायर हो गया, डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स, पूरा का पूरा डब्बा कट जा रहा है। तो ये टी की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, टी की पावर थ्री का मतलब क्या हो गया एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेट एक्स क्यूब साइन फिर ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस वन एक्स की पावर एट डी एक्स। मेरे को साफ नज़र आ रहा है कि टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर को टी लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव यही बन रहा है, ठीक है। देखते हैं, देखो उसको मन में एक्स मानो, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो एक्स पावर एट हो गया, और जिसको मन में एक्स लिया उसका दोबारा डेरिवेटिव तो ये हो गया फोर एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई वन प्लस एक्स की पावर एट अपॉन फोर एक्स क्यूब और ये हो गया डी टी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया साइन टी और ये वन प्लस एक्स की पावर एट, और डी एक्स की वैल्यू क्या थी देखो वन प्लस एक्स की पावर एट और नीचे फोर एक्स क्यूब और ये डी टी, ये पूरा कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भी कट गया, फोर बच गया कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो ये हो गया साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, ठीक है। और टी की वैल्यू क्या थी सर, टी की वैल्यू थी टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर, ठीक है, प्लस सी डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, 38 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो टेन एक्स की पावर नाइन प्लस टेन एक्स लॉग बेस ई टेन डी एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, जैसे डी एक्स इधर लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इसको टी ले लो ये डी टी में कट जाएगा, ठीक है। देखो एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया टेन एक्स की पावर नाइन प्लस ए एक्स का डायरेक्टिव क्या होता है ए एक्स लॉग ए, ठीक है, ठीक है, और बेस ई होता है इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, आपको दिख ही रहा होगा कट रहा है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई वन अपॉन टेन एक्स की पावर नाइन प्लस टेन एक्स लॉग ई की पावर टेन डी टी, ठीक है। वट इज़ दिस, दिस इज, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये टी था और इसका मतलब था डी टी अपॉन ये हो गया टेन एक्स की पावर नाइन प्लस टेन की पावर एक्स लॉग ई टेन, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ थी ये सेम है, कट गई है ना, तो ये हो गया वन अपॉन टी डी टी, ठीक है, ये कट गया ना, ये दिखा नहीं, ये सेम था, सेम कट गया। तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी, लॉग टी, और टी का मतलब क्या था ये, तो लॉग एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इंटीग्रेशन एक्चुअली बड़ी बड़ी एक्सरसाइज ही है, राइट। तो हम इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन 39 कहता है बच्चों, ऊपर देखो वन है और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो वन के बदले लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अलग अलग कर दो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दो, हो गया आंसर, ये कट गया इससे ये कट गया, तो
तो ये वन बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर, और ये वन बाय साइंस स्क्वायर क्या हो गया, कॉसेक्स स्क्वायर, है ना। अब दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। इसका हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ डू जॉइन अस। एंड माई फ़ोन नंबर इज़ 9871518388, ठीक है। वी आर एट एडुकेशन क्लासेस। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।